अरे माँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, ठीक हूँ। लेकिन तुम्हारे मूड को क्या हो गया? कल रात को तो तुम्हारा मूड इतना खराब था, पार्टी में इतना सीन क्रिएट किया, और अब मूड अच्छा हो गया? मूड तो अच्छा होगा ना माँ, आपको पता है मेरी अभी अभी थोड़ी देर पहले फालतू की कोच से बात हुई, वो फालतू की परफॉर्मेंस से बहुत खुश है माँ। आई वॉज सो वरीड, इतने दिनों से फालतू ने क्रिकेट नहीं खेला था, आउट ऑफ टच थी क्रिकेट से, बट मैं भूल गया था फालतू तो बॉल प्लेयर है माँ। अरे 2 मिनट में फॉर्म में आ गई, पता है कोच उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है माँ। क्या हुआ? आप खुश नहीं हो माँ? आई नो आप फालतू से नाराज हैं, लेकिन आप जानते हो ना मैं फालतू को इधर से मुंबई एक सपना दिखा फिलहाल वादा किया था मैंने उससे कि उसका सपना पूरा कर, और आज वो सपना पूरा होने वाला है माँ। माँ वो वर्ल्ड कप खेल सकती है। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अभी हमारी बहू का नाम रोशन होगा दुनिया में, तो खुश होने वाली बात क्यों नहीं है? दादी बोल रही है कि बहू नहीं है। तुम लोग मानो या ना मानो, मेरे लिए फालतू इस घर की बहू है और हमेशा के लिए रहेगी। अपने बेटे के चेहरे की रौनक देख सकता है, कितने दिनों बाद इसके चेहरे पे खुशी आई है, वो भी फालतू की ये न्यूज सुनकर। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और इनकी खुशी एक दूसरे के साथ ही है, तो फालतू को ताने देने से अच्छा होगा कि हम लोग इन दोनों को मिलाने की कोई तरकीब सोचे। आप समझ के मिल रही है, फालतू की शादी हो रही है, वो मेरे आयु के बगैर लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। शादी हो रही है, हुई तो नहीं है ना? फालतू को मंडप से भगा ले आया, मैं तेरे साथ हूँ और तू से मीर से शादी मत कर। मेरे हिसाब से मेरा ही दादी सुलन को बुलाने का फायदा कर रहा है। मेरे और फालतू के बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है। आंसू छुपाने से दर्द तो कम नहीं हो जाएगा ना यार? अगर तुझे सच में फालतू अपनी जिंदगी में फिर से नहीं चाहिए तो इन आंसुओं का क्या फायदा? मेरी बात मान यार, तू जा फालतू के पास, उसका हाथ पकड़ उसे गले से लगा ले और कह दे पूरी दुनिया को कि फालतू सिर्फ तेरी है। इतनी सारी फिल्में दिखाई है मैंने तुझे, किसके लिए? कैसी दादी हो यार आप, अपने पोते को बिगाड़ रहे हो। सुधरे हुए होने का क्या फायदा अगर इंसान खुश ना हो तो? यहाँ हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे शादी के दिन आया को शहर से बाहर भेजे, और आप है कि मंडप से दुल्हन भगाने के लिए क्या नहीं उसे। फालतू का चैप्टर अयान की लाइफ से खत्म हो चुका, तो प्लीज आप अयान की चिंता मत करो, ठीक है? और रही बात फालतू को भूल जाने की, तो अयान एक दिन उसे भूल जाएगा, मूव ऑन हो जाए, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है? और अयान की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसकी खुशी किस में है वो से। अभी हम लोग सीन वही शूट कर रहे हैं जिसमें ऐसे होता है कि पार्टी के नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, जिसमें पार्टी में तो अयान का मूड बहुत ख़राब होता है एंड यू नो एक सीन क्रिएट होता है, एंड अचानक से सुबह मैं उससे मिलती हूँ तो ही इज़ लाइक वेरी हैप्पी, तो मैं उसको ही पूछती हूँ कि तेरा मूड कैसे चेंज हो गया, तो वो बताता है कि फालतू के बारे में कुछ न्यूज़ मिली एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये सीन ही शूट करें हम अभी। एक्चुअली यही सब है कि नील और फालतू के शादी की तैयारियां हो रही है, जो न्यूज़ हम लोग तक आई है, और फिर अभी देखते हैं कि क्या होता है वो।